शादी करने के लिए अपने ऐलान कर दिए। अपने कुछ गुजरों के, कुछ अहीरों के, कुछ जाटों के लाल जब सज के चले संग में महारानी किशोरी, और उधर पल्लवगढ़ के पल्लू राजा ने अपना मोर्चा संभाले हुआ था। मेहरवानों घमासान युद्ध हुआ लाल किले पे जाके, लेकिन जब कटकट के शीश खूनों की धार बहने लगी तो मेरे विद्वान श्रोताओं, मुगल घबरा गए और घबरा के किले का जो द्वार था वो बंद कर लिया। जब किले का द्वार बंद कर लिया तो तोपों के गोले मारते हैं लेकिन टूटता नहीं है वो किले का गेट। हाथी टक्कर मारते हैं, जब माथे में कील समा जाती है तो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। तो मेहरवानों, कैसे युद्ध होता है और क्या होता है उस लाल किले की चढ़ाई करती है, कर दिया है महाराजा जवाहर सिंह ने। आइए सुनते हैं। हे रमची लड़ाई लाल किले पे, हो सजनों, मची लड़ाई लाल किले पे, और सजनों अंधा धुंध चली है तलवार। फिर क्या हुआ? अरे कट कट शीश गिरे धरनी पे, कह के चली है खून की धार। कट कट शीश गिरे धरनी पे, कह के चली है खून की धार। ओ मची लड़ाई लाल किले पे, अंधा धुंध चली है तलवार। कट कट शीश गिरे धरती पे, बह के चली है खून की धार। कट कट शीश गिरे धरती पे, बह के चली है खून की धार। हाथी चढ़ गए सजना, अरे हाथी चढ़िया हाथी चढ़ गए, और घोड़े पे है अश्वार। पैदल पलटन और रिश्याले, पैदल पलटन और रिश्याले, रण में मच रही हाहाकार। पैदल पलटन और रिश्याले, रण में मच रही हाहाकार। हाँ, पैदल पलटन और रिश्याले, रण में मच रही हाहाकार। पैदल पलटन और रिश्याले, रण में मच रही हाहाकार। दुष्के मुकल किले के अंदर, दुष्के मुकल किले के अंदर, जिन्ने कर लिए बंद द्वार। एक पेश ना जाए छतरीन की, एक पेश ना जाए छतरीन की, जैसे भूखो फिरे नहार। एक पेश ना जाए छतरीन की, जैसे भूखो फिरे नहार। हाँ, एक पेश ना जाए छतरीन की, जैसे भूखो फिरे नहार। ओ गोला मारे जब तो अपन के, गोला मारे जब तो अपन के, लग के दूर पर है जो जाए। टक्कर मारी जब हाथी ने, टक्कर मारी जब हाथी ने, माथे में गई कील समाए। टक्कर मारी जब हाथी ने, माथे में गई कील समाए। टक्कर मारी जब हाथी ने, माथे में गई कील समाए। सरदारो, जब हाथी ने टक्कर मारी किले के गेट में तो हाथी के मस्तक में कील गड़ गई, पीछे हट गया। अब तो सब ने जान लिया कि ये किला टूटना मुश्किल है। और जब हाथी पीछे हट गया, इस बात को बल्लभगढ़ के बल्लू राजा देख रहे हैं, ये किला ऐसे टूटने वाला नहीं है। तो बल्लभगढ़ के बल्लू राजा ने भी जान लिया, जवाहर सिंह के मामा जी, ऐसे नहीं, आज तेरा भी वक्त आ गया है बलिदान देने का। अपने हिंदुत्व के लिए तेरा वक्त आ गया है बलिदान देने का। अपने सीने को गेट के सामने अड़ा लेता है। और सजनों, क्या होता है आगे सुनिए। फाटक नहीं किले को टूटे, फाटक नहीं किले को टूटे, पंचा सुन ले ध्यान लगा। अरे पल्लवगढ़ को पल्लू राजा, पल्लवगढ़ को पल्लू राजा, जान सीनो दियो अड़ाए। पल्लवगढ़ को पल्लू राजा, जान सीनो दियो अड़ाए। पल्लवगढ़ को पल्लू राजा, जान सीनो दियो अड़ाए। सब पल्लवगढ़ के पल्लू राजा ने सीना अड़ा दिया और अपने बेटे, अपने भांजे जवाहर सिंह से कहा कि बेटे जवाहर, ला अपने हाथी को। लेकिन जब मामा को देखा तो पीछे हट गया। क्या वो जवाहर सिंह पीछे के हट को, जवाहर सिंह पीछे के हट को, मोपे मामा मारो न जाए। फिर क्या?
क्या होता है, पीछे हट गया। वही युद्ध कर रही चढ़ी किशोरी जब हाथी पे, चढ़ी किशोरी जब हाथी पे भैया की दंगली चढ़ा, चढ़ी किशोरी जब हाथी पे भैया की दंगली चढ़ा, चढ़ी किशोरी जब हाथी पे भैया की दंगली चढ़ा। कीला टूट गयो फाटक को, जब कीला टूट गया बल्लभगढ़ के बल्लू राजा वहीं पर अपना शहीदों में नाम लिखा करके चले गए। अरे कीला टूट गयो फाटक को एकदम जवान परे भेरा, कीला टूट गयो फाटक को एकदम जवान परे भेरा, हाय कीला टूट गयो फाटक को एकदम जवान परे भेरा। जब किला टूट गया तो महाराजा जवाहर सिंह ने हट के युद्ध किया मुगलों से, उनको उनकी औकात याद दिला दी, कहा कि महाराजा जाटों के भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल का बदला लेने के लिए आए हैं। हार मान लेता है अहमद शाह, बेगम को साथ में लाया, डांड के नीचे तिनका दबा करके आया, उससे कुरान उठवाई, विश्वास दिलाया एक अब दोबारा से कभी धोखा नहीं करेंगे। लेकिन मेहरबानों वापस चले आए उसी लाल किले का गेट जो आज लोग देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, वही किला है। इस प्रकार से महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली को फतेह किया था।